प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध क्या होता है? जो विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध इसमें क्या है? तो यह कि प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध इसमें क्या है? सरल विद्युत परिपथों में एक प्रतिरोध होता है। कोई एबी रेडियो तथा अन्य युक्तियों में विविध प्रकार के विद्युत परिपथ होते हैं। विविध प्रकार के मतलब एक से अधिक विद्युत परिपथ होते हैं। रेडियो बनता है, टीवी बनता है, उसमें ऐसी हो गई। अब आईसी लगा होता है मोबाइल में, तो मोबाइल में वोल्टेज ज्यादा मिलता है, तो आईसी अगर ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो वो जल जाएगा, इसीलिए उसके बैटरी और जो करंट आ रहा है बैटरी और उस युक्ति के बीच में एक प्रतिरोध लगा देते हैं, जिससे उसका करंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसी तरीके से टीवी वगैरह हो गया, टीवी में भी टीवी देखो जो ट्यूब वगैरह टीवी के ट्यूब होते हैं जो पहले टीवी चलती थी, अब आईसी वगैरह जो होते हैं उसमें करंट को थोड़ा करने के लिए मतलब ज़्यादा करंट आ रहा है डायरेक्ट जैसे अब लगाए तो ज़्यादा करंट आ रहा है, करंट ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, जल जाएगा टीवी, इसीलिए करंट को कम करने के लिए वो लगाया जाता है। तो उस प्रतिरोध को किस क्रम से लगाया जाता है, मतलब प्रतिरोधकों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। जो प्रतिरोध लगा होता है उसको हम दो प्रकार से संयोजित करते हैं, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध, श्रेणी रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर का मतलब होता है प्रतिरोध, इन सीरीज का मतलब होता है श्रेणी, रजिस्टर इन समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध, रजिस्टर इन पैरेलल। अब श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो श्रेणी क्रम अभी हम आपको बताएंगे, जो लाइट होती है शादी ब्याह में जो लाइट लगा होता है, झालर लगे होते हैं कई प्रकार के डिजाइन से, वो जो डिजाइन होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, क्योंकि एक जगह उसका कनेक्शन होता है और उसी के साथ साथ जलने लगेगा। अब इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है? फायदा ये है कि हमको सिर्फ एक जगह प्लग में वो बटन दबाएं सारे लाइटें जलना शुरू हो जाएगी। अब इसी पर एक वायर कट हो गया, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहीं पर भी एक वायर कट हुआ तो सारी की सारी लाइटें, उसकी आगे की लाइटें, जैसे आप पहले लाइट है, पहले बल्ब कोई झालर लिया है, क्या कोई झालर लिया है उसमें पहले वाला बल्ब फ्यूज हो गया या फिर उसके तार जो है एक सप्लाई कट हो, एक सप्लाई कट होते ही बाकी के जितने भी सप्लाई होंगे वो जितने भी बल्ब लगे होंगे वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। अब इसी तरीके से यदि दसवें वाले बल्ब में कट हो जाते हैं तो दस की बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इसको जो श्रेणी क्रम और श्रेणी में जुड़े प्रतिरोध मतलब पहली घटित है, संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ा जाता है, प्रतिरोध को क्रम से क्रम वाइज का मतलब जैसे भी लाइन लगाते हैं एक के पीछे एक के पीछे एक एक इस तरीके से, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध पहला टर्मिनल दो टर्मिनल होते हैं, कोई भी प्रतिरोध होगा एक प्लस एक माइनस होगा, तो ये प्लस और माइनस का, तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा रहता है। अब कैसे होता है ब्रेको क्या बताते हैं आप लोगों को, देखो ये देखिए इसने तीन लाइट का यूज किया है, ठीक है, तीन लाइटों का यूज किया है और एक स्विच का यूज किया है, एक बैटरी लगाया है, ठीक है। तो इसका देखो लाइट के दो टर्मिनल होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, एक माइनस एक प्लस, ये जोड़ा हुआ है यहाँ पर माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो ये माइनस वाला इसका ये मान लेते हैं पहला प्रतिरोध, इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा इस साइड वाला होगा, तो इसका दूसरा सिरा जो दूसरा वाला प्रतिरोध है इसके पहले सिरे से जोड़ा गया है, फिर इसका दूसरा सिरा इसके पहले वाले प्रतिरोध से जोड़ा गया, फिर इसको ऐसे लेकर जाकर यहाँ पर स्विच पे लगाया है, स्विच पे लगाने के बाद बैटरी में जोड़े, इसी तरीके से इसका पहला टर्मिनल आकर जोड़ दिया गया है बैटरी से, ठीक है। तो ये वाला ये हो गया, देखो ये माइनस है प्लस है, यहाँ पर ये माइनस मिल जाएगा एक तरफ एक प्लस, क्योंकि लाइट
बल्ब में दो टर्मिनल मिलना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में। तो इसका यूज कैसे, अब देखो इसको हम अगर ऐसे ऑन करते हैं, ऑन करेंगे तो अगर हम यहां से कोई कनेक्शन काट दें, कनेक्शन काट दें तो ये सारी लाइटें बंद हो जाए। अगर यहां से मान लेते हैं यहीं पर कनेक्शन ऐसे काट दिए, अगर यहीं पर कनेक्शन काटते हैं बाकी जगह, तो अगर वैसे देखें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अभी जो समझाए उसके अगले वाले प्रतिरोध से पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, पहले प्रतिरोध से के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच स्रोत को जोड़ दिया जाता है। इससे हम आपको अभी बताएं कि इसका जो है ये वाला सिरा, मतलब पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा है और लास्ट वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरे को इससे बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी लगी है बैटरी से जोड़ दिया जाता है, इसको ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है, कनेक्शन काट दिए कर गया। तो ये है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। चित्र इसका इस तरीके से बनेगा कि तीन प्रतिरोध लगा हुआ है, R1 R2 और R3, तीन प्रतिरोध लगा है। इसमें दो टर्मिनल थे, एक A और B, इनके बीच में प्रतिरोध A के दो टर्मिनल है, एक होता है A और B, दूसरा टर्मिनल C और D, और तीसरे प्रतिरोध का दो टर्मिनल D और B। अब इनको जो है किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कैसे, क्योंकि अभी हम बताएं, अभी तुमको लाइट दिखाए, पहला टर्मिनल, ठीक है, पहला टर्मिनल बाहर निकाल दिया गया है, दूसरे प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल और दूसरे प्रतिरोध का पहले टर्मिनल को संयोजित कर दिया गया है, अगला दूसरे प्रतिरोध का पहला टर्मिनल और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल को संयोजित कर दिया गया है, और आगे इसको जो है निकाल दिया गया है, जो तीसरा वाला प्रतिरोध है उसको लाकर हम एक बैटरी से माइनस वाले से जोड़ दिए हैं, फिर उसके बाद बी वाले को धनात्मक वाले से जोड़ दिया गया है, इनके बीच जो है विभवांतर वी मान ली है, अब इसके बीच में विभवांतर V1, V2 और V3 है। तो अब इसमें इसको हम कैसे सिद्ध, तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3, R1, R2 और R3 बिंदु A और B के बीच श्रेणी में जुड़े हैं, देखो बिंदु A और B के बीच में इस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संयोजित। बिंदु A व B के बीच सेल द्वारा विभवांतर V लगाया गया है, इनके बीच में एक सेल लगाया गया है जिसे क्या कहा गया, विभवांतर, ठीक है, सेल द्वारा विभवांतर V लगाया गया है। अब यह प्रतिरोध R1, R2, R3 के सिरों के बीच विभवांतर, देखो इसका विभवांतर भी हो गया, अगर अलग अलग विभवांतर निकालना होगा, इस वाले प्रतिरोध का विभवांतर निकालना होगा, तो यहां से यहां तक एक विभवांतर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया गया है, यहां से यहां तक एक वोल्ट मीटर, यहां से यहां तक एक वोल्ट मीटर, मतलब तो अलग अलग प्रतिरोध के अलग अलग वोल्ट मीटर लगा दिया गया है। तो अब विभवांतर V1, V2, V3 हो और संयोजन में प्रवाहित धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि धारा क्या होती है, समान होती है। ओम का सूत्र होता है V बराबर IR, ठीक है, यहाँ पर एक एक सरल विद्युत परिपथ में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इस वाले सूत्र से हम आसानी से निकाल सकते हैं ओम के नियम से। लेकिन यदि एक से अधिक प्रतिरोध लगा हुआ है तो वहां पर हम कैसे निकालेंगे, कैसे उसका तुल्य प्रतिरोध निकाला जाएगा, तो मान लेते हैं कि V बराबर IR, ये एक प्रतिरोध लगने पर होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से कई प्रतिरोध लगे हुए हैं, कई प्रतिरोध लगे होंगे, तो उनके बीच का जो विभवांतर होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो मान लेते हैं कि पहला वाला जो B1 है, B1 बराबर I जो धारा है वो तो हर में जो धारा होगी वो समान होगी I, और इसमें लगा हुआ है R1, B1 बराबर IR1, ये पहला समीकरण मान लो, B2 बराबर IR2 दूसरा समीकरण मान लो,
बी थ्री बराबर आई आर थ्री, ये तीसरा समीकरण। तीन समीकरण हो गए। जब चित्र में देखे थे तो वो तीनों प्रतिरोध ऐड हुए, तो तीनों प्रतिरोधों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, समीकरण एक प्लस दो प्लस तीन, समीकरण एक दो प्लस तीन। अब तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो LHS वाला LHS की तरफ जोड़ेंगे, मतलब B1 प्लस B2 प्लस B3, ये होता है LHS वाला LHS की तरफ जोड़ेंगे, RHS वाला RHS की तरफ जोड़ेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब देखो बच्चों, B2 B3 इसका जो विभवांतर है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, V लिख सकते हैं, क्योंकि बात समझना कि जो विभवांतर जो नीचे लिखा हुआ था V, वो उन क्योंकि यहां से जब धाराएं गई तो वो बटी, तीन प्रतिरोधों में बटा, तो तीन प्रतिरोधों में अलग अलग विभवांतर हुआ। लेकिन अगर उसको फिर से मिलाया जाए तो एक, देखो समझो ऐसे कि जैसे हम एक पिज्जा लेकर आए, ठीक है, पिज्जा को तीन भागों में बांट दे, ठीक है, तीन जगह तीन तरफ से काट दे, तीन भागों में, यदि हम इस तरीके से समझना कि हम जैसे मार्केट से पापा लाए पिज्जा, पिज्जा लेकर आए, बर्गर लेकर आए, बर्गर मांग के चलते हैं, सॉरी मार्केट से पापा बर्गर लेकर आए, ठीक है, एक बर्गर बड़ा सा लेकर आए। अब उस बर्गर को हम तीन भागों में, तीन हिस्से, तीन भाई बहन है, तीन हिस्सों में हम बांट दें, तीन हिस्सों में बांट दिए तो एक लोगों को एक हिस्सा, दूसरे लोगों को एक हिस्सा, तीसरे लोगों को एक हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको बांटे नहीं, मम्मी कहे इसको रुको रुको सब लोग रखो, पहले रख दिए उनको, क्या किए, तीनों को इकट्ठा कर दिए, तीनों को इकट्ठा कर देंगे, अगर तीनों को इकट्ठा कर देंगे तो पूरा फिर से एक बर्गर बन जाएगा ना। तो उसी तरीके से जैसे विभवांतर है, विभवांतर को अलग अलग छोटे छोटे विभवांतरों में बांटा गया है, तो इसका V1 था, उसका V2, इसका V3। तो ये V1 V2 V3 को हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों में I कॉमन दिख रहा है, बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये वाले समीकरण से देखना, यहाँ पर जहाँ पर V है, V की जगह पर, V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, तो V की जगह पर हम क्या लिख दिए, I R बराबर इधर I और R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर समझ लेना, अब देखो यहाँ पर I से I कैंसिल हो जाएगा, बचा बचेगा क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R बराबर, तो यही होता है श्रेणी क्रम का सूत्र। निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध का मतलब बड़ा वाला प्रतिरोध, और विभवांतर के तुल्य विभवांतर का, विभवांतर का मतलब बड़ा वाला विभवांतर, मतलब छोटे छोटे विभवांतर को मिलाकर बड़ा विभवांतर, और यहाँ पर छोटे छोटे प्रतिरोधों को मिलाकर बड़ा प्रतिरोध, बड़े प्रतिरोध का नाम क्या है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो इस तरीके से R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या कैसे, इसको अगर लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा कि जो छोटे छोटे प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े अनेक जो कई प्रतिरोध हैं, वो जो है किसके प्रतिरोध के बराबर होते हैं,